पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बाहर नहीं होंगे जब तक हमको क्लीन चिट ना मिल जाए। मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए, मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए, आप साफ सीधे समझिए। एक तरफ पति की मौत का सदमा और दूसरी तरफ पुलिस वालों का ये रवैया। ये वायरल वीडियो कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता के परिवार और गोरखपुर पुलिस के दो अधिकारियों के बीच बातचीत का है, जिसमें पुलिस एफआईआर वापस लेने का दबाव बना रही है। यही समझाया जा रहा है, आईजी डीआईजी आकर सिर्फ यही समझा रहे हैं कि केस वापस ले लो, एफआईआर मत करो, 6 घर बर्बाद हो जाएंगे। जो मेरा घर बर्बाद हो गया भैया, उसका क्या? किसने बोला ये बात कि केस वापस ले लो? ये डीएम कौन? डीएम और एसएसपी थे अभी यहाँ। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि केस आप मत करो, एफआईआर मत करो, इसकी कोई जरूरत, पुलिस सिर्फ केस को रफा दफा करने की पूरी फिराक में है। जिसे मैं कहना चाहूंगी कि मेरे भाई को न्याय दिलाएं, उसको बहुत बेरहमी से मारा गया, जैसे कोई जानवर को भी नहीं इतनी बेरहमी से मारता है। पुलिस के दबाव के बावजूद इंसाफ की मांग के लिए मनीष गुप्ता का परिवार डटा हुआ है। जिस तरह मारा है उन्होंने, वो सही नहीं किया है, बहुत बेरहमी से मारा है। तो मैं ये नहीं चाहती जैसे हर बार मारने के बाद जो सजा मिलती है वो वही सजा हो। बेरहमी से मारा है तो बेरहमी से सजा भी होनी चाहिए। कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर 36 साल के मनीष कुमार गुप्ता 27 सितंबर को अपने दोस्त गुरुग्राम के अरविंद सिंह और दिल्ली के प्रदीप के साथ गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के देवरिया बाईपास रोड पर स्थित कृष्णा पैलेस के कमरा नंबर 512 में ठहरे थे। ये लोग गोरखपुर के अपने दोस्त चंदन सैनी और राणा प्रताप चंद से मिलने के लिए आए थे। आरोप है कि सोमवार की रात करीब 12:30 बजे थाना प्रभारी जेएन सिंह और सब्जी मंडी चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्रा समेत 6 पुलिसकर्मी उनके कमरे में आए और पहचान पत्र दिखाने को कहा। इसी पर कोई बात हुई, पुलिसकर्मियों ने तीनों को थप्पड़ से मारना शुरू कर दिया। पिटाई के बाद पुलिस वाले अरविंद और प्रदीप को लेकर नीचे चले गए। कुछ देर बाद जब पुलिस वाले लिफ्ट से मनीष को नीचे घसीटते हुए लाए तो उसकी नाक और मुंह से खून बह रहा था। इसके बाद पुलिस वाले मनीष को लेकर निजी अस्पताल और फिर बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने शुरुआत में इसे हादसे में मौत का मामला बताया। अपराधियों की चेकिंग के दौरान थाना रामगढ़ ताल की पुलिस एक होटल में गई। वहां पर एक कमरे में 3 युवक संदिग्ध अलग अलग शहरों से आए थे जो ठहरे थे। इस सूचना पर पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहाँ पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। दुर्घटनावश हुई इस घटना से पुलिस ने तत्काल होटल मैनेजर को साथ लेकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज हुआ। बीआरडी में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने तत्काल परिजनों को सूचित किया है, शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। आगे डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम करवा कर इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये युवक किस पर्पज़ से, किस कार्य से यहाँ आए थे, इसकी जांच की जा रही है, और किसके साथ ये यहाँ रहे थे, कितने दिन रहे थे, इस संबंध में जानकारी कर आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के इस दावे की पोल पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी खोल दी। सिर के बीचों बीच के अलावा 4 जगह गंभीर चोट के निशान मिले। बहरहाल परिवार के दबाव के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज कर 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या उन्हें सजा मिल पाएगी। कारोबार की पत्नी का आरोप है सारे सबूत नष्ट किए जा चुके हैं, इस कमरे में वारदात हुई वहां से खून के निशान मिटाए जा चुके हैं। जहां पे ये चोट के निशान होंगे वहां क्या सिचुएशन होगी उस कमरे की, उस जगह की, ये भी आप समझ जाएंगे। खून से भरा हुआ होना चाहिए वो कमरा, वहां पे एक बूंद खून नहीं था, एक दो जगह जल्दबाजी में छूट गया था, वो भी लाइट था। तो मैं चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी एक और मेरी दरख्वास्त ले लें कि जो सबूत मिटाने के काम हो रहे हैं इसको थोड़ा सा ध्यान दे दें।
यकीनन इस घटना ने यूपी पुलिस की साख को दागदार कर दिया है। गुनहगारों को सख्त सजा के साथ न्याय दिलाकर ही इस दाग को धोया जा सकता है।